अगर आपके पास वन प्लस नॉट टू टी है या सी ई टू है, कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप रिंगटोन चेंज कैसे कर सकते हैं अपने फ़ोन का। तो रिंगटोन चेंज करने के लिए जाएंगे आप सेटिंग पे, और इसके बाद यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है, और स्क्रॉल करके रिंगटोन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले वाइब्रेशन आ जाता है, जिसमें आप अपने पसंद का कोई वाइब्रेशन ऐसे चूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसे हाथ लगाएंगे ना, महसूस कर सकते हैं कि किस टाइप से ये बज रहा है। और वाइब्रेशन नहीं पसंद है तो नो वाइब्रेशन कर देंगे, वाइब्रेशन हट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वाइब्रेशन हमारे रिंगटोन के साथ रहे, तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे, रिंगटोन भी बजेगी और वाइब्रेट भी होगा। ठीक है, अभी मैंने ऑफ़ कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन आ जाता है, तो कस्टम में आप अपनी पसंद का कोई गाना सेट कर सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग में से ले सकते हैं सॉरी, और म्यूज़िक में से। तो म्यूज़िक में मैंने एक डाउनलोड कर रखा था, तो मैंने ये ऑन कर दिया है, सेलेक्ट कर लिया, मतलब इसके बाद बैक कर लूँगी। तो ये सेट हो चुका है, बस आपको बैक कर लेना है, आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिंगटोन सेट हो गया है। देख सकते हैं, नाम पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और, अगर आपको सिस्टम रिंगटोन की ज़रूरत है, जैसे कि ये वाला, तो इनमें से भी आप कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं यहाँ पे कस्टम वाला ही रह दूँगी, अच्छा है। और अब बारी आती है कि यहाँ पे आपको वाइब्रेशन ऑन रिंग, मैंने यहाँ पे वाइब्रेशन लगा रखा है, तो इसको मैं ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि मुझे वाइब्रेशन नहीं चाहिए रिंगटोन के साथ। और तीसरी चीज़ की ये रिंगटोन का जो ऑप्शन है, इसको आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जितना वॉल्यूम आपको पसंद है। ठीक है, इसके बाद आप बैक कर लेंगे। तो ये फुल सेटिंग मैंने बता दी आपको रिंगटोन की। चलिए, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।